हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू स्विफ्ट लाइफस्टाइल। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एसी सर्विसिंग। गर्मियां आ रही है तो आप लोग सोचते रहोगे अपनी एसी की सर्विस करवा लेना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो, एसी की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका लाइट बिल कम आएगा, फ्रेश एयर देगा आपको, ठंडी हवा भी देगा एसी, कम खर्चे में उसकी यूजेस आप अच्छा कर पाओगे। तो मैंने अर्बन क्लैब का सर्विस यूज़ कर करके देखा। काफ़ी दिनों से मैं टीवी एंड यूट्यूब पर उनके ऐड देख रहा था, आयुष्मान खुराना जी उनके ऐड कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो हम यूज़ करके देखते हैं इनकी सर्विस। तो इनका सर्विस कॉस्ट जो है एसी का 599 रुपीज़ में एक एसी सर्विस करते हो ये लोग, और अगर एडिशनली आप एक और सर्विस करवाते हो तो आपको 100 रुपये ऑफ देंगे, वैसे 500 रुपीज़ में कर देंगे। तो अर्बन क्लैब के जो लोग आए, मैं आपका उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरा 599 रुपीज़ के हिसाब से मैं फ्रेंकली बताता हूँ, काफ़ी मुझे सर्विस अच्छा लगा उनका। क्योंकि सबसे पहली बात तो जो है, उन लोगों ने वाटर जेट स्प्रे से सर्विसिंग किया, तो उस वजह से सारी जो मिट्टी गंदगी थी वो एकदम क्लीन हो गई। 1 आवर में इनका सर्विसिंग का टाइम ऑलमोस्ट लगता है, 1 आवर टू 1.5 आवर, जैसा आपका सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं अभी आपको अगला फुटेज जो दिखाऊंगा कि वो कैसे सर्विस करते हैं, क्या करते हैं, मतलब गंदगी कैसे साफ करते हैं, मैंने काफ़ी फुटेज निकाल के रखा हूँ। मेरा एसी में बता रहा हूँ, मैं हर साल सर्विस कराता हूँ, मतलब अभी 5-6 साल हो गए पर इतना अच्छा सर्विस आज तक नहीं हुआ। पूरा जो पानी से उन लोग साफ कर रहे थे, एकदम पूरा गंदगी बाहर आ रही थी, पूरा ब्लैक वाटर, मतलब एकदम ही बेकार पानी आ रहा था। उसके बाद एक तो मेरे एसी में से जो बाहर का आउटलेट का पानी है वो भी आना बंद हो चुका था क्योंकि उसका कॉइल ब्लॉक हो गया था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मेरा एसी का ड्रेन आउटलेट से पानी भी बाहर आ रहा है, काफ़ी अच्छी हवा भी दे रहा है, और उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। जो बात करने का तरीका था, जो मशीन हैंडलिंग था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा था। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि उन लोग सर्विस कैसा कर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग अपना हुड ओपन करके लेंगे एसी को। सारा कुछ ओपन करने के बाद में वो एसी स्टार्ट करेंगे सर्विस करना, क्योंकि ऐसे ही वो लोग नहीं सर्विस करते। पहले उसमें काफ़ी सारे नट्स होते हैं, 8-10 नट्स होते हैं, वो पूरा खोल के लेंगे, फ्लैप वगैरह निकाल के लेंगे, उसको अच्छे से आपके वॉशरूम में उन लोग वॉश करेंगे पानी के साथ में, और बाकी का वो जेट स्प्रे से सर्विस करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा पहले का एसी किस कंडीशन में है। काफ़ी सारी मिट्टी है, काफ़ी धूल है। हम लोग फिल्टर तो साफ़ करते हैं पर कॉइल हम घर में नहीं साफ़ कर सकते। इन द एंड आप खुद टेक्नीशियन हो यार आप, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, हम तो उतने स्मार्ट है नहीं। आप करके ट्राई कर सकते हो पर फिर रिस्क रहता है। इन लोग का क्या है, इन लोग करेंगे तो इन लोग इंश्योरेंस भी देते हैं, 10,000 तक कुछ होता है तो आपके प्रोडक्ट को इन लोग उसका इंश्योर भी लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो जैसा कि इन लोग ये पन्नी दिखाई हुई है इसमें अर्बन क्लैब के ऐड में, वो सेम प्लास्टिक इन लोग उसमें कवरिंग कर रहे हैं ताकि आजू बाजू में गंदगी फैले ना, पानी वानी फैले ना। काफ़ी अच्छा प्रिकॉशन ले रहे हैं। आप जैसे देखोगे तो अभी पूरा प्लास्टिक लगा दिया है, उसके बाद ही वो पानी निकालेंगे और फिर नीचे से वो पाइप में से, ड्रेन आउटलेट में से वो पाइप में से पानी निकल के ड्रेन हो जाएगा पानी। तो जैसा आप अभी देख सकते हो वाटर जेट स्प्रे से ये साफ़ कर रहे हैं, ये कॉइल बोलते हैं इसको, इसे कि ये पूरा पानी से साफ़ करते हैं, इसमें मिट्टी वगैरह फंसी होती है तो ये पूरा इन लोग साफ़ करेंगे। और ये सेम प्रोसेस आपके आउटडोर यूनिट के साथ में भी होगा। आपको पता रहेगा स्प्लिट एसी रहते हैं तो उसके एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। आउटडोर यूनिट में भी वो कॉइल को ऐसे ही साफ़ करेंगे प्रेशर वाटर के साथ में, जो अंदर कॉइल वगैरह को गंदगी लगी होती है तो ये प्रेशर से फटक से साफ़ हो जाता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं वो आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि एक्चुअली में वो मेरा अपर फ्लोर पर लगा हुआ था और वहाँ चढ़ना पड़ रहा था तो वो मैं नहीं जा पाया, तो सॉरी, आप इससे ही काम चलाइए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काम और पूरा गंदा पानी निकला एसी में से। अभी ये एसी हमने कम से कम 2-3 साल बाद ऐसे सर्विस किया है, वेट सर्विसिंग, मतलब सादा वाला सर्विस तो हम करवाते थे पर वो कोई मतलब का नहीं है, कुछ पैसा वसूल सर्विसिंग है, मस्त काम कर रहे भैया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मस्त इन लोग एकदम मस्त प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, जो टीवी में ऐड आया ना सेम टू सेम वैसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। प्लास्टिक का पन्नी भी लगाया हुआ है, उसके बाद में फुल वाटर से स्प्रे मार के चकाचक हो रहे हैं एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, पूरा ख़त्म होने दो कि क्या फ़र्क पड़ता है। पहले भी इसी हवा तो मस्त दे रहा था, बस जो वाटर आउटलेट में से पानी आता है ना इसी के, वो मेरा आना बंद हो चुका था ऑलमोस्ट 6-8 महीने से। तो चलो देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो। तो फुल ऑन प्रोसेस तो फॉलो किया जा रहा है इससे। तो अर्बन क्लैब गुड जॉब। आप
लोग देख सकते हो फुल एकदम गंदगी बाहर आ रही है, जबरदस्त मजा आ गया, बढ़िया चीज बनाई। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, इसका कॉइल वगैरह जो पोच वगैरह के एकदम बढ़िया कर दिया है, एकदम ड्राई एंड नीट एंड क्लीन हो चुका है। पहले बहुत गंदा था, कितनी मिट्टी निकली है आप लोगों ने ही देखा है, मतलब कि देखो एकदम बढ़िया हवा दे रहा है, एकदम क्लीन एंड नीट हो गया है। इतना नीट एंड क्लीन तो मेरा एसी पता नहीं पिछले 2 साल में कभी दिखा भी है क्या नहीं, या अंदर का मैंने खुद कितनी बार ट्राई कर किया है साफ करने के लिए, पर मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसको वाटर जेट से साफ करना है। तो यस गाइस आप देख सकते हो अपना अविनाश सर ने मेरा सर्विसिंग करके दिया, मस्त सर्विसिंग किया एकदम पूरा, मतलब पद्धतशीर जिसको बोलते हैं ना काम, एकदम ओके रिपोर्ट में कर दिया, जैसा पूरा पानी मारने से लेके जैसा आपने अर्बन क्लैब के एड में देखा रहेगा ना, एकदम वैसा सर्विस करके दिया, मस्त काम कर रहे हो भाई, ऊपर भी एकदम चकाचक करके दिया। मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इसमें देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आपको लगा तो आप अर्बन क्लैब का सर्विस यूज कर सकते हो, मैं अभी आगे का बात आपसे करता हूँ। चलो भाई थैंक यू, थैंक यू। और एक और बात बताना चाहूंगा कि बाय नो मीन्स दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड, ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग 599 रुपीस खर्चे तो आप मेरा एक्सपीरियंस देख करके खर्चोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है ऐसा समझना नहीं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस जेन्युइन में बात बताऊँगा आपको, जो भी उन्होंने कहा। ये सर्विस थोड़ी लो कॉस्ट हो भी सकती थी ये भी मैं बताऊँगा, पर 599 रुपीस डिसेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, क्योंकि जेन्युइन 500 रुपीस तो हर कोई चार्ज करता ही है, एंड वो ड्राई सर्विस करते जो वैक्यूम क्लीनर से करते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता है वैक्यूम क्लीनर वाले में, जो ये वाटर जेट से करते हैं ना इसमें असली मज़ा इसी में है। कुछ भी कहो, जो फीलिंग आती है, जो क्लीनलीनेस है बहुत बढ़िया है। अभी आप आगे जैसे फुटेज देखोगे ये आपको सब समझ में आ ही रहा होगा कि कैसा किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम जो पानी हो गया है बाल्टी में वैसा गंदा हो गया है ना, फिनोमिनल एक्सपीरियंस, मतलब काफ़ी बढ़िया था। ऐसा सर्विस हमारे पूना में मैंने तो पहले नहीं करवाया होगा, पर मेरे जानकारी में नहीं था, तो थैंक यू अर्बन क्लैब फॉर हमारे नज़रों में वो सर्विस लाने के लिए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। थोड़ा रेट कम कर सकोगे तो उस पर ध्यान देना, पर सर्विस ऐसी कंटिन्यू रखना। और एक बात बताना चाहूँगा कि उन लोग वाटर जेट स्प्रे जो लाते हैं उससे थोड़ी बहुत गंदगी होती है, पर उन्होंने जो प्लास्टिक का कवरिंग का बैग है उससे वो काफ़ी कम गंदा होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आपको घर में पोछा लगाना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपको टाइम रहेगा उसी दिन इनको बुलाइएगा, क्योंकि घाई में काम होता नहीं है। और उसके बाद में भी ऊपर का आपका 2 यूनिट होते हैं, एक तो स्प्लिट एसी होगा तो एक बाहर का यूनिट होगा और एक अंदर का यूनिट होगा, तो ये दोनों पे वाटर जेट से स्प्रे मारते हैं तो दोनों एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर करेंगे या बाहर करेंगे, ड्राई सर्विसिंग बिल्कुल करते ही नहीं है इन लोग। तो जी हाँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया होगा तो मैंने इतनी मेहनत की है इस वीडियो के लिए, एक लाइक दे दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो जिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको भी सर्विस कराने में इंटरेस्ट है, अर्बन क्लैब का एक्सपीरियंस जानना है, अर्बन क्लैब कंपनी तक मेरा वीडियो पहुँचाओ। अगर अर्बन क्लैब से कोई देख रहा है तो आई एम ओपन फॉर स्पॉन्सरशिप, और थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूबर का मोटिव होता है ये, बोले बिना कोई वीडियो खत्म ही नहीं होगा, यूट्यूबर यूट्यूबर होता है भाई, यूट्यूबर कोई कभी बोलेगा क्या ये मेरा माल है ये खराब है, कोई शॉप वाला बोलेगा ये सबसे बेस्ट चीज़ है, यही तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और ये मेरे से बेस्ट चीज़ है, इससे बेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं मार्केट में। सब्सक्राइब एंड लाइक।